आज जो हम मेकअप करने वाले बहुत ही लाइट और नेचुरल रहेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्रैलोन का बेस यूज़ कर रहा हूँ। क्रैलोन अगर आप बिगिनर्स हो, सीख रहे हो, तो आपको क्रैलोन बेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्रैलोन का जो बेस होता है क्रीम फॉर्म में होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके रिजल्ट भी एकदम परफेक्ट होते हैं। तो हम मेकअप करेंगे। मेकअप कर हमारा फाउंडेशन हुआ, ये मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है। इसका मैंने पाउडर कर लिया और फर्स्ट लेयर में मैं कंप्लीट कभी बेस मेकअप नहीं करता हूँ, क्योंकि आईब्रो काफ़ी थिक है, मैं ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करूँगा। और इनका जो आई मेकअप है बहुत लाइट रखना है, तो मैंने लाइट पिंक शेड यूज़ किया, जो कि काफ़ी लोगों का पसंद है। और यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट आई शेडो करूँगा। उसके पहले मैंने इनर कॉर्नर पर हाईलाइट लगा लिया था, और ये आई शेडो मोर्फे का प्लेट है मेरा, और ये यहाँ पे मैं पिंक शेड यूज़ कर रहा हूँ। देखेंगे कि मैंने आई बॉल पे ही आई शेडो को ब्लेंड किया है राउंड ब्रश से। जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रो आर्ट का है। साथ में इनके लो लेस पे भी मैं सेम पिंक आई शेडो कर रहा हूँ, जिससे डिफाइन बहुत अच्छा लगता है, आँखें उठ के आती है। और उनके सॉकेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और डार्क कर दिया जाए, तो वो मैं कर रहा हूँ। मस्कारा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैबलिन का है, मैबलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस इसका नाम है। ये बहुत अच्छा है, जिसकी लैस फ्लो नहीं होते हैं तो वो भी अपने आप हो जाएंगे, और इसका जेट ब्लैक भी बहुत अच्छा है। साथ में ये लीक नहीं होता है, या फिर के पसीने या गर्मी से कहीं पे भी मेल्ट नहीं होगा, ये फुल वाटरप्रूफ रहता है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आईलाइनर के लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लोरेल कंपनी का है, और ये काफ़ी जेट ब्लैक है, बहुत अच्छा है। और इसमें साथ में स्पंज पेन लाइनर भी आता है, वो मैं ज़्यादा लाइक करूँगा। और पेन लाइनर ब्रश जो लाइनर होता है वो उसमें एक फॉल्ट है कि कभी भी लीक करने लगता है। अगर आपको लेना होगा तो स्पंज लाइनर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा होता है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग भी ज़्यादा होती है। लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया, और अब करेंगे बेस की बारी। तो गाइस, यहाँ पे इनका स्किन टोन है 28 नंबर, और उसमें मिक्स कर रहा हूँ 22, और इनका हाईलाइट टोन जो होता है वो 29 होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो बेस पैलेट है ये बड़े स्टिक का कट किया हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे शेड्स है। बेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर मैं करूँगा पाउडर से डैप पूरा, ताकि वो सारा बेस फिक्स हो जाए, वो लॉक हो जाए। साथ में नेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्किन टोन हमेशा डिफरेंस दिखता है लाइट पड़ने पे। और मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, जो कि वो भी पीएससी पैक कंपनी का है। कंटूरिंग बहुत अच्छा है, स्मूथ है, और इनके फेस पे मैं कटिंग ब्रश की मदद से कर रहा हूँ, जो कि पीएससी का ही ब्रश है। साथ में पीएससी पैक का ही ब्लशर है, पिंक शेड, बहुत ही सुपर अमेजिंग। मुझे एक साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, अभी भी आप देख रहे हो कि वैसा ही है, काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छा चलेगा। काजल हो जाने के बाद आएगी बारी लिप कलर की। तो गाइस, मैं लिपस्टिक का जो शेड है वो न्यूट रखूँगा, और जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ वो यूरोप गर्ल्स का है, और ये काफ़ी प्यारा शेड है।